अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बकरे वालों की बातें यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी तो मैंने अहमद गोट फार्म को इंट्रोड्यूस करा था दिल्ली में, जैतपुर खड्डा कॉलोनी में। तो अगेन मैं अभी उन्हीं के फार्म पर हूँ, लोकेशन थोड़ा चेंज रहेगा। तो अभी हम फिलहाल अबुल फजल एनक्लेव में ठोकर नंबर 4 में हैं और अहमद भाई के पास माशाल्लाह से अभी क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों में ही कुर्बानी का माल आया हुआ है बिकने के लिए। तो जो मेरे भाई ओखला में रहते हैं, आसपास के लोकेलिटी में रहते हैं, वो अहमद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे रापता करके बकरे खरीद सकते हैं। डिटेल्स हम अहमद भाई से ही लेंगे और मनोहर भाई हमें थोड़े से बकरे दिखाएंगे। तो अहमद भाई आगे चलना है पहले, ठीक है? मैं आपको आगे से स्टार्ट करके दिखाता हूँ जो 32 बच्चे हैं और इनके रेट्स भी बताएंगे अहमद भाई, जैसा भी है कि वो नग में देंगे या किलो में देंगे। तो अहमद भाई, ये बड़े सींग वाला जो बच्चा है, ये कितने किलो का होगा अंदाजा लाइव वेट पे? 45 अराउंड होगा। तो कैसे दोगे आप? हाँ, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको नग से दोगे या इसको दोगे आप भाई किलो से? ऑन द स्पॉट किलो से लेने वाला है, किलो से दे देंगे। एज पर हमारा जो है, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि नग से दें। नग से दें तो मतलब अगर कस्टमर आगे बोलता है कि मैं किलो से लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या किलो का दाम दोगे आप उनको? 425। 425 रुपए का दाम रहेगा, कोई सा भी इनमें से ले लें। तो अभी फिलहाल कितने बकरे हैं कुर्बानी के? ये सर होंगे 25 के करीब। मनोहर भाई, ये लाल वाला बकरा पकड़ना जरा। हाँ, यही वाला आराम से पकड़ लेना, भागे नहीं। ये तो होगा मुझे लग रहा है 60 के करीब तकरीबन। ये भी 425 में तुलेगा जी, नक के हिसाब से लोगे, नक के हिसाब से तुल जाएगा, ठीक है। और ये व्हाइट वाला जो है, छोटा वाला बकरा लेना है, ये जो हाइट में, अच्छी हाइट में है बकरा, इसकी मैं लेके आना। आप आगे इसकी मैं आपको हाइट दिखाता हूँ, लंबा चौड़ा बकरा है ये। बस बस बस, 425 का दाम जी, 425 का दाम है भाई। ये काला वाला आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें जोड़ीदार भी है इसका, एक ये रहा और एक इसके पीछे खड़ा हुआ है। अगर कोई जोड़ी में बकरे खरीदे तो जोड़ी में ले सकता है। एक आपके पास बेहतरीन बच्चा मैंने देखा था अब लग, जो मतलब रुकने वाली चीज़ है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेके आना मनोहर भाई थोड़ा सा आगे। तो अहमद भाई, ये क्या हिसाब रहेगा इसका? पर पीस से होगा, पीस के हिसाब से है। तो कुछ अंदाजा आप बता सकते हो इसका? इसका है 60,000, 60,000 रुपए है। दिख रही है माशाल्लाह से भाई, चीज है एकदम एक नंबर चीज है भाई। अहमद भाई, एक बार प्रॉपर एड्रेस और बता दो आप लोगों को। ये अबुल फजल टोकन नंबर 8 I-39 एड्रेस है फ्लैट का, ठीक है? नंबर तो मैं दे दूंगा, आप यहाँ से अहमद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिन के इतने बजे आना है या इतने इस बार आना है, कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। आप आने से पहले आप इनको कॉल करें और कभी भी आप आके यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं बकरों के लिए। यहाँ पे अभी फिलहाल गुजरी नस्ल मिलेगी और मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है 32 दिख रहा है, एक आध मक्खी चीना दिख रहा है, अपलग बच्चे दिख रहे हैं और मेवाती बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये लाल वाला मैं बच्चा आपको दिखा देता हूँ, ये भी खूबसूरत है कुर्बानी के पर्पज से। 425 में ये भी तुलेगा आपको। अगर कोई भाई को लॉट चाहिए पूरा, ये तो मैं ये लॉट भी बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में दे दूंगा। लॉट में जाएगा वो सब, ये सब हमारा 50-60 केजी सब एक ही प्राइस में, एक ही रेंज में सब मिल जाएंगे। तो ये आपका एक फायदा भी हो सकता है कि आप अगर जंगल जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि जंगल जाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, आने जाने का किराया, फिर वहां से बकरा परचेज करना। अगर कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है पूरा लॉट उठाने में, तो लॉट के लिए भी आप अहमद भाई से कांटेक्ट कर लेना। लॉट में तो खैर पैसे मुनासिब हो ही जाते हैं, उसमें आपको छोटा बकरा भी मिलेगा, लॉट का मतलब ये है कि आपको बड़ा बकरा भी मिलेगा। और अहमद भाई, दांतों का क्या सीन है इनमें अभी? ये मैक्सिमम 2 या 4, 2 या 4 होंगे, 6 कोई नहीं मिलेगा ना इसका मिलेगा। और वो जो हमने पलाई का देखा था वो मिलेगा, हाँ, वो मिलेगा बस थोड़ा वो है, ठीक है। मैं आपको करीब से और बकरे दिखा देता हूँ और बहुत अच्छे बकरे हैं यहाँ पे। इनका मिनिमम वेट जो है वो 45 है, मैक्सिमम 60-65, 40-45 मिनिमम मान के चलते हैं, और कोई बकरा जो है ऐसा वो 60-65 भी चला जाएगा, ऊपर भी जा सकता है। वो तो जो अगर आपका ऐसा लगता है कि नहीं हमें तुलवा कर ही लेना है, तो फिर जितना तुलाई में आएगा उसको आप 425 से कैलकुलेट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बकरा इनमें बहुत अच्छा है, अच्छी लेंथ का बकरा है और अच्छी हाइट का बकरा है, पालने के हिसाब से भी बहुत बढ़िया बकरा है। अगर आप इसको पालना चाह रहे हो तो
तो आप इसको पाल लेना। दूसरा ये गजरा गया, ये पानी पी रहा है, ये गजरा भी बहुत अच्छा है। और ये देख लेना, इस पर नज़र मारना बकरे पे, इसकी लेंथ देख लेना। जो बकरे पालने वाला है ना वो इसको आसानी से समझ गया होगा ये किस लेंथ और हाइट का बकरा है। ये 2 से 4 दांत बता रहा है, मुझे लगता है 4 दांत में भी ये इस ग्रोथ पे बुरा नहीं है, बहुत अच्छा बकरा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। और एक मक्खी चीना, ये मक्खी चीना भी बकरा अच्छा है। ये मैंने पीला मेवाती दिखाई दिया है। और ये देख लो, थोड़ा नागफनी में लुक आ रहा है, नागफनी समझ लो आप इसको। ये जोड़ी भी अच्छी है, तकरीबन एवरेज वेट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक बकरे का, इसमें बड़ा वाला जो बकरा मुझे लग रहा है ये 60 से 65 किलो का लग रहा है, और उसके जो पीछे है वो भी 55 के आसपास का बकरा है। अच्छे बकरे हैं काफ़ी अहमद भाई के पास। और अहमद भाई ने अपना फार्म का एड्रेस तो बता ही दिया, और फिर भी अगर आपको समझना है तो नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप वहाँ से नंबर लो, एंजॉय करो, कॉल करो, मैसेजेस करो, जो भी आपको करना है व्हाटएवर, आप आ जाओ यहाँ पर, आकर आप आसानी से बकरे देख सकते हैं। ये मनोहर भाई हैं, ये भी आपको यहीं सेटअप पे मिलेंगे। अहमद भाई, आपके अलावा और कोई मिलेगा अगर आप ना हो? मनोहर भाई मिलेंगे, ये डील कर लेंगे आप? ठीक है, अगर अहमद भाई यहाँ ना हो तो मनोहर भाई आपसे डील करेंगे। मिल जाऊंगा, वैसे मैं पॉसिबल मिल ही जाऊंगा, बट अगर मैं बाय चांस नहीं हुआ तो आपको मिल जाएंगे मनोहर भाई। ठीक है, 24/7 यहीं रहते हैं। ठीक है, तो अभी अहमद भाई दूसरा लॉट कब आ रहा है, दूसरी गाड़ी कब आ रही है वैसे? इंशाल्लाह भाई हर वीक कोशिश करेंगे, एक गाड़ी तो आई जाए जी। ठीक है, लॉट के लिए अच्छा सौदा है, अगर दिल्ली में रह के बकरे बेचने हैं आपको तो लॉट के लिए आप सौदा कर सकते हैं। ठीक है अहमद भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह वीडियो का एंड करते हैं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाइस भाई का बहुत सपोर्ट है, और अच्छा भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छी अच्छी सबके शौक दिखा रहे हैं। बाकी भी मैंने जब वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पर, माशाल्लाह सबके शौक अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी होगा देखते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और देखें आप शौक देखें अहमद भाई का आके, क्योंकि ईद अब बहुत करीब है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 1 महीना भी नहीं है बकरीद में, तो आप ख़रीदारी स्टार्ट कर सकते हैं, और मंडियों के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। मंडियाँ मुश्किल ही हैं इस बार लगेंगी, तो जहाँ पर आपको अच्छा बकरा लगे, जहाँ पर आपको अच्छा सौदा पटे, वहाँ से आप वक्त रहते बकरा ख़रीद सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।